मिनी बजट में लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% करने की मंजूरी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स की शरह 25% करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। मिनी बजट के हवाले से सामने आने वाली दस्तावेजात के मुताबिक लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से 4 माह में 15 अरब रुपये की आमदन मुतवक्के है। दस्तावेजात में बताया गया है कि इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% किया जा रहा है। ख्वातीन के लिए इम्पोर्टेड मेकअप के सामान पर भी सेल्स टैक्स 25% होगा। दस्तावेजात के मुताबिक मेकअप के जिस इम्पोर्टेड सामान पर सेल्स टैक्स लगेगा, इसमें इम्पोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारे, फेस पाउडर, बालों के लिए रोलर और ड्रायर्स, बालों के इम्पोर्टेड कलर्स, इम्पोर्टेड ब्लीच क्रीम और हेयर विटामिन शामिल हैं। दस्तावेजात में बताया गया है कि पालतू जानवरों की इम्पोर्टेड खुराक पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। इम्पोर्टेड ब्रांडेड शूज़ पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% की जा रही है और इसके अलावा ख़वातीन के लिए इम्पोर्टेड ब्रांडेड पर्स, ट्रैवलिंग बैग, सूटकेस, शैम्पू, साबुन और लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% किया जा रहा है। मर्दों के लिए इम्पोर्टेड शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, सनग्लासेस और परफ्यूम्स पर भी सेल टैक्स की शरह 25% की जा रही है। इम्पोर्टेड प्राइवेट असलहा पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेड ब्रांडेड हेडफोन्स, आईपॉड पर भी सेल्स टैक्स जो है 25% होगा। यही नहीं, इम्पोर्टेड लग्जरी बर्तनों पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% होगा। इम्पोर्टेड गाड़ी और मौसीकी के इम्पोर्टेड आलात पर भी सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक इम्पोर्टेड बिस्किट, केक, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट, कैंडीज, डिब्बा पैक, इम्पोर्टेड मछली और मशरूम्स, ड्राई स्नैक्स, कॉर्नफ्लैक्स और पास्ता पर भी सेल्स टैक्स जो है 25% होगा। इम्पोर्टेड मिनरल वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स और इम्पोर्टेड जूसेस पर भी सेल्स टैक्स जो है 25% किया जा रहा है। दस्तावेजात में मजीद बताया गया है कि इम्पोर्टेड दरवाज़ों, खिड़कियों, फर्नीचर, लकड़ी के शो पीस, कारपेट्स, स्प्रिंग मैट्रेस और तकियों पर भी जो है सेल्स टैक्स की शरह 25% की जा रही है। बाथरूम फिटिंग्स, टाइल्स, सेंट्री के सामान पर इम्पोर्टेड फानूस, फैंसी लाइट्स पर भी जो है सेल टैक्स की शरह 25% होगी।